हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बॉलीवुड अपडेट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिल्म गांधी गॉड से की युद्ध के बारे में। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों गांधी गॉड से की युद्ध मूवी 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे 9 साल के बाद राजकुमार संतोषी इस मूवी से बड़े पर्दे पर एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रिलीज होने से पहले गांधी गॉड से एक युद्ध विवादों में घिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कई जगह तो इस मूवी को बैन करने की मांग भी उठ रही है। गांधी गॉड से एक युद्ध मूवी की कहानी नथुराम गोडसे और गांधी जी की विपरीत विचारधारा पर आधारित है। ये मूवी असगर वजाद के नाटक पर लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मूवी को खुद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी ने लिखा है। विवाद यह है कि गांधी जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि इसमें गांधी जी को कमजोर दिखाया गया, और नथुराम गोडसे के समर्थक ये कह रहे हैं कि गोडसे के तर्कों को कमजोर दिखाया गया इस मूवी को। इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस मूवी का, और मूवी को रिलीज ना करने की मांग भी उठ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि न्यूज चैनल पर राजकुमार संतोषी जी ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म जब सेंसर हो जाती है तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसा कि हम अदालत का रिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, जो भी अदालत में फैसला हो जाता है उस फैसले की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर अपील भी करनी चाहे तो हायर कोर्ट में हम अपील करते हैं। लेकिन सड़कों पर उतर कर तोड़ फोड़ करना ये गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, ये उस इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने कहा। वही शुक्रवार को एक इवेंट के दौरान इस मूवी का विरोध किया गया और काले झंडे भी दिखाए गए। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस भी बुलानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस इवेंट के दौरान वहां पर राजकुमार संतोषी जी, अभिनेता दीपक अंतानी और प्रोड्यूसर ललित जी भी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर गांधी जी अमर रहे के नारे भी लगाए हैं। दोस्तों मूवी 26 जनवरी को रिलीज होने वाली, अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचा पाती है मूवी। इस वीडियो में फिलहाल इतना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक नई बॉलीवुड अपडेट के साथ।